तो गाइस यार आज मैं और सिंचन काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि गाइस आज तक हमने जितना भी पैसा कमाया था और हमने सबका सब बाहर निकाल कर रख दिया है गाइस। अरे यार बहुत मजे आएगा गाइस, हमारे पास इतना पैसा है ना आज हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अरे क्या करें पैसों को बताओ फेंगे भैया। अबे हाँ हाँ पहले पैसे तो दिखा दूँ गाइस, सही बता रहा हूँ इतने पैसे कमाए हैं ना आज सारा का सारा खर्च कर दूंगा। तो गाइस यार आज देखते हैं कि आज हम लोग पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे। वैसे गाइस देख रहे हो यहाँ पे मैंने चौप को खड़ा कर दिया है। गाइस यार देख रहे हो चौप कैसे रखवाली कर रहा है पैसों की, और देख ले एक भी पैसा चोरी हो गया तुझे बताऊंगा मैं। अरे हाँ हाँ मैं पूरा देख रहा हूँ गाइस यार, मैं पैसों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, एक भी नोट मैं इधर उधर नहीं जाने दे रहा यार। अरे वेरी गुड गाइस, अभी मैं ये सोच रहा हूँ ये पैसे मैं कहाँ पे खर्च करूँ। अरे कपड़े ले लो, कपड़े फेंगे भी है। अबे कपड़े तू मेरे कपड़े देखेगा आजा दिखाता हूँ। गाइस मेरे पास इतने कपड़े हैं ना मैं क्या ही बताऊँ, रोज बदल बदल के पहनू ना तो पूरा सार निकल जाएगा। अबे सिंचन कपड़े तो नहीं यार, कपड़े तो बहुत सारे हैं, और गाइस क्या खर्च करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, आप बता दो क्या करूँ मैं। अरे यार वही तो गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो कि हम लोग अपने पैसे खर्च कहाँ करें। चलो चलो आराम से चलते हैं। और यार एक काम करो मेरे लिए घर ले लो यार। अबे यार ये तेरा घर इतना बड़ा तो है ही ना, इसी में रहना। गाइस चौप का घर तो है और वो कह रहा नहीं घर की, वो तो बिल्कुल भी नहीं। चलो एक बार बाहर जाके देखता हूँ हम क्या कर सकते हैं। ओके गाइस ये देखो ये रही मेरी गाड़ी, और इसको ये तो अच्छी गाड़ी है यार, हम नई गाड़ी भी क्यों लेके आएंगे यार। अरे वही तो, ये सुपर कार पहले से ही है गाइस, नई कार इससे बढ़िया कोई है ही नहीं, वो भी सिमोन के पास इससे बढ़िया गाड़ी है ही नहीं यार। हाँ गाइस हमने सिमोन से पहले ही एक बढ़िया गाड़ी ले रखी है, और एक सब्जी वब्जी लाने के लिए ये वाली वैन है गाइस। कभी कभी हम लोग मार्केट जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं और इसमें सब्जी वगैरह लेके आते हैं यार। अरे मैं कहूँ तो एक आइडिया है मेरे पास यार। अबे कौन सा आइडिया, काय का आइडिया, पहले रुक इसको बाहर निकालने दे, ये गैराज में कितना गंदा हो रहा है, इसको बाद में सफाई करवाएंगे। एक मिनट, अबे तू पीछे क्यों बैठ रहा है। अरे यार पीछे का गेट खुल गया तो बैठ गया और क्या। ओहो गाइस चलो मेरे पास ये दो ही गाड़ियां हैं, वैसे मेरा कोई प्लान नहीं है गाड़ी खरीदने का, या गाड़ी खरीद लूँ आप लोग बताओ यार, मैं करूँ तो करूँ क्या उन पैसों का। अरे मैं तो कहूँ मॉडिफाई कर दे क्या अपनी गाड़ी को। अरे मॉडिफाई क्या करवाएंगे भाई साहब, ये तो इतनी बढ़िया पहले से ही है। गाइस यार ये सिंचन मॉडिफाई की कह रहा है, और मॉडिफाई क्या करवाएंगे, और मॉडिफाई कौन सी वाली गाड़ी करवाएं, ये वैन या ये काली वाली गाड़ी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा गाइस। और हमारे पास इतना पैसा है कि आज हम कहाँ खर्च करें हम ये भी नहीं सोच पा रहे। अरे यार क्या करें सिंचन, कोई तो आइडिया दो यार मेरे को। अरे यार वही तो क्या करें हम लोग। अरे यार मेरे ख्याल से हम अपनी कार को मॉडिफाई करवा सकते हैं यार, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे हम लोग खर्च कर सकते हैं। गाइस कार तो यार देखो, कार तो बढ़िया लग रही है, मेरे हिसाब से इसको मॉडिफाई करना कोई फायदा नहीं है। अरे एक काम कर देना सिंचन। अरे हाँ हाँ बोलो। अबे मैं ये कह रहा हूँ सीधा सिमोन को फोन करते हैं, सिमोन कोई आइडिया जरूर देगा यार। अरे यार ये हुई ना बात, चलो गाइस यार हम सिमोन को फोन मिलाते हैं। अरे निकालो फोन यार, मिलाओ उनको। एक मिनट गाइस, सिमोन। अरे हाँ यार सिमोन, हाँ सिमोन मेरी बात सुनो। अरे हाँ क्या हो गया। अरे सिमोन मैं क्या ही बताऊँ यार, मेरे पास ना ये छोड़ो, तुम एक काम करो ना सीधे मेरे घर आ जाओ यार, अर्जेंट है। अरे अर्जेंट है, रुको अभी आया मैं रास्ते में ही था, वो तो अभी तुम्हारे घर के पास ही गुजर रहा था, रुको तुम्हारे घर आया दो मिनट। जल्दी आ जाओ यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। गाइस अभी मैंने ना सिमोन को बुला लिया है, और उसको फिर मैं आइडिया बताऊंगा कि मेरी गाड़ी में ये करवा दो, और गाइस वो सारे के सारे पैसे मैं खर्च कर दूंगा। तो गाइस देखते हैं कि सिमोन कितने देर में आएगा और मैं कौन सी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाऊंगा यार। अरे हाँ हाँ आने दो सिमोन अंकल को आने दो यार। गाइस आप लोग ये बताओ कि हम कौन सी गाड़ी में कैसा मॉडिफिकेशन करवाएं, वही हम लोग करवाने की सोचेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि काली वाली में करवाऊं या पीली वाली में। गाइस मेरा दिमाग तो घूम रहा है इतना पैसा देख के, और आइडिया तो आ ही नहीं रहा मेरे दिमाग में यार। अरे कोई नहीं यार रुक जा दो मिनट। चलो फ्रैंकलिन ने पता नहीं क्यों बुला लिया अचानक से, अभी तो मैं अपने दुकान जा रहा था, अब बुलाया है तो चलो जाता हूँ। अरे ये मेरे ऊपर का कब खुलेगा, इतना देर से मेरे को यार ठंडी लग रहा है, ठंडी के मौसम में यार चलती गाड़ी में धूप लेने का अलग ही मजा है। गाड़ी तो बहुत अच्छी मॉडिफाई की है मैंने, इसका कलर भी कितना मस्त है। चलो आराम से चलता हूँ, फ्रैंकलिन में आ गया, बस थोड़ा और दूर है इसका घर यार। ये देखो क्या गाड़ी है मेरी, अरे अरे मेरी गाड़ी, ऐसे मत कर यार,
सही में गाइस, कभी कभी मेरी गाड़ी मेरी बात नहीं मानती, थोड़ी अकड़ू है लेकिन क्या बताऊं, ये गाड़ी को मैंने मॉडिफाई बहुत एक नंबर करवाई है। फ्रैंकलिन मैं आ गया। अबे भाई साहब, अबे ठोकेगा क्या? गाइस ये ना सिमोन पागल है, कभी ना ठोक देगा और बोलेगा मजाक मजाक में ठोका है। अबे नीचे उतर, काम है तेरे से मेरे को। अरे ये बताओ पहले मेरी गाड़ी कैसी लग रही है तुम लोगों को? अबे भाई साहब तेरी गाड़ी तो बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को। भाई साहब सही में यार एक नंबर कलर है इसमें। गाइस लेकिन मैंने ना जिस काम के लिए सिमोन को बुलाया है पहले वो काम करवा लूं। सिमोन सुनो यार, चलो अंदर एक चीज दिखाता हूँ मैं तुमको। अरे क्या है घर में, कोई कुत्ता वुत्ता है क्या? अबे नहीं यार, कुत्ता तो मेरा पहले से चौप है मेरे पास। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं जाता हूँ सिमोन को बताता हूँ क्या करना है। वैसे सिमोन मैं पहले ही बता दूँ, मेरे को ना मॉडिफिकेशन करवानी है इन गाड़ियों में, तो ये बताओ कैसी मॉडिफिकेशन हो सकती है इसमें? अगर मॉडिफिकेशन करवानी है तो आराम से हो जाएगी, तुम टायर बड़े कर लो, गेट बड़े कर लो या इनके मिरर काले करवा लो, जो मर्जी वो करवा लो। अबे भाई साहब ये छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवानी मेरे को, कुछ ज्यादा ही महंगी, इतनी महंगी तुम सोच ना सको, ऐसी वाली महंगी यार। अरे यार इतनी महंगी तो तुम एक काम करो गाड़ी बड़ी करवा लो। गाड़ी बड़ी कैसे होगी भाई साहब, इसमें हवा थोड़ी ना भर देंगे हम लोग। अरे इस गाड़ी की डुप्लीकेट बना बना के हम इसको चिपका सकते हैं ना यार। अरे भाई साहब डुप्लीकेट बना के मतलब अटैच, मतलब मैं समझ नहीं रहा यार। अरे मान लो इसकी जैसे एक और गाड़ी है वो इसके ऊपर रख दो, फिर वो बन जाएगी ना बड़ी, एक ही गाड़ी से सारी गाड़ियां चलेगी। गाइस ऐसा भी होता है क्या? भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा महंगी मोटिवेशन लग रही है मेरे को, ये कैसे होगी? अरे पहले ये बताओ, पहले अपने पैसे दिखाओ, उसी हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगा आगे का काम। भाई साहब पैसे तो इतने हैं कि मैं क्या ही बताऊं, पैसे भाई साहब बहुत सारे, पैसे की टेंशन मतलब तुम। अरे फिर तो हो जाएगा, लेकिन यार ये ध्यान रखो, हम लोग तुम्हारी गाड़ी को बड़ी तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम है फ्रैंकलिन। अबे कौन सी प्रॉब्लम रहेगी, पैसे तो है ही, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैं कह रहा हूँ जिस डिवाइस से हम तुम्हारी गाड़ी को डुप्लीकेट करेंगे वो डिवाइस सिर्फ आर्मी के पास है यार। अरे भाई साहब आर्मी के पास है, मतलब मुझे वहाँ से चुरा कर लाना पड़ेगा वो डिवाइस? अरे हाँ अब यही समझो यार। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही सरदर्द वाला काम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी को मॉडिफिकेशन करवानी है तो इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। चल सिंचन आज चलते हैं फटाक से आर्मी बेस कैंप में। गाइस ये देखो ये रही मेरी खतरनाक वाली गाड़ी, अभी इसको लेके चलते हैं। अबे जल्दी बैठ जा, टाइम वेस्ट मत कर। अरे आ रहा हूँ। गाइस यार बहुत मजा आएगा यार, आज तो हम अपनी गाड़ी को सबसे बड़ी गाड़ी बनाएंगे, वर्ल्ड बिगेस्ट कार यार, मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट वैन। गाइस जो भी बोलो लेकिन हम इसको बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। तो गाइस वैसे सिंचन ऐसा होता होगा क्या, डुप्लीकेट बन जाएगा यार एक मशीन से? अरे यार मुझे तो नहीं लगता, गाइस यार डुप्लीकेट तो सिर्फ प्रिंटर करता है, वो भी कागजों का यार। अबे क्या पता वो 3D प्रिंटर हो, ऐसा भी हो सकता है ना सिंचन? अरे यार लेकिन फिर भी गाड़ी तो गाड़ी होती है ना। हाँ वैसे गाइस ये बात तो सिंचन ने सही बोली, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं, सिमोन को उसके बारे में पता है गाइस। अरे वो रहा देखो सामने आर्मी बेस कैंप, बिल्कुल सीधे देखो एंड में। हाँ गाइस मुझे दिख रहा है लेकिन यहाँ से ना ऊंचाई है इसलिए मैं पास में लग रहा है, लेकिन गाइस वो बहुत ज्यादा दूर है, अभी हम लोग को फुल स्पीड में जाना पड़ेगा। और ये देखो गाइस, ओ भाई साहब बच गए सिंचन अभी तो। अरे हाँ बची जाएंगी कोई बात नहीं, आराम आराम से जाएंगे यार, लेट नहीं होंगे, ठीक है ना यार? ओहो गाइस अभी हम लोग आर्मी बेस कैंप के सामने ही आ चुके हैं और ये है फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर को पार करते के साथ हमारा आर्मी कैंप। गाइस मैं ये सोच रहा हूँ हम वो गाड़ी लेके आएंगे यार, वो लोग हम पे अटैक नहीं करेंगे सिंचन क्या? अरे करेंगे अटैक तो करेंगे, लेकिन यार मैं तो कहूँ हमें बैठते के साथ भाग जाना चाहिए था। और क्या गाइस देखो एंट्री तो मिल जाएगी क्योंकि मुझे ये लोग जानते हैं, क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ यार। अरे सर आप आ जाइए बहुत दिन बाद आए। अरे हाँ कर्नल का दोस्त जो हूँ, गाइस मैं कर्नल का दोस्त हूँ इसीलिए मुझे एंट्री तो मिल जाती है। गाइस लेकिन एक प्रॉब्लम है, एंट्री लेने के बाद मुझे सीधा कर्नल के पास जाना होता है और ये लोग मेरी गाड़ी को ऐसे घूमते हुए देख लेंगे ना गाइस तो पक्का मुझे पकड़ लेंगे। सबसे पहला काम ये है कि इस गाड़ी को कहीं छुपा दूं, वरना वो देखेंगे गाड़ी यहाँ पे रखी हुई है तो मतलब कहीं आसपास मैं होऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने ये छुपा दिया, अब फ्यूचर हम दोनों पैदल चलते हैं, आजा। अरे हाँ गाइस सबसे पहले वो गाड़ी ढूंढनी है, मतलब वो डिवाइस जिससे यार वो डुप्लीकेट होगा फ्रैंकी भाई, जल्दी जल्दी ढूंढो यार कहाँ पे होगी वो। अबे यार वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं अंदर की तरफ चलते। अबे यहाँ तो यार बिजली का झटका लग जाएगा, अंदर की तरफ चलते हैं और यार देखते हैं कि वो डिवाइस कहाँ रखा है इन लोगों ने, फटाफट से और चलते हैं गाइस। ओहो सामने से दो चार लोग आ रहे हैं यार,
जल्दी छुप जा सिंचन। अरे हाँ, मैं छुप गया छुप गया। ओए वहाँ पे जो वो रखा है ना डिवाइस, वो किसी के हाथ मत लगने देना, चलो सब मेरे साथ। अरे हाँ हाँ, दूसरी सिक्योरिटी टीम जा रही होगी, इतने में हम लोग घूम के आते हैं, चलो। दीदी ये तो उसी डिवाइस की बात कर रहे हैं फेंक भैया। हाँ हाँ यार मैं समझ गया गाइस, मतलब इसी तरह उन लोगों ने छुपा रखा है और अभी अभी सिक्योरिटी चेंज हुई है, मतलब अगली सिक्योरिटी जो आएगी उन्हें टाइम लगेगा। चल सिंचन इतने में हम लोग हाथ साफ करते हैं यार। अरे हाँ हाँ पक्का, ये इनके गैराज में होगी, वो मिनी गैराज में, चलो चलो वहाँ चलते हैं। गाइस सही बता रहा हूँ, इन लोगों को पता चल गया ना मेरे पे अटैक कर करके मारेगी। अबे सिंचन जल्दी जल्दी आना। अरे हाँ हाँ गाइजर पक्का वो यहीं पे होगी, चलो चलो आप अंदर चलो, मैं आता हूँ पीछे से। ओए कौन, ओए तुम कौन हो यार? अरे मुझे नहीं पहचाने, मैं फ्रैंकलिन। ओ फ्रैंकलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो। गाइस इनको मेरे ऊपर शक हो गया है, लेकिन तुम मुझे मार रहे हो। ओ ये लो गाइस, यार ये लोग तो कुछ ज्यादा खतरनाक है और आर्मी के बंदे। सिंचन जल्दी आ मदद कर। अरे यार पता ही है आपको मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कैसे मारूंगा यार। अभी बताता हूँ। अबे यार गाइस लो, इन दोनों को तो मैंने ढेर कर दिया, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अभी मेरी रिकॉर्डिंग हो गई होगी, मैंने इन लोगों को मारा है, इतने में आर्मी वाले आ जाएंगे। ओए तू कौन है? अरे अरे तू कहाँ, अंदर मत जा, अंदर मत जा, अंदर जाना मना है। अरे यार हम लोग अंदर जा रहे हैं बस खाने पीने के लिए यार। ओ तेरी गाइस फायरिंग स्टार्ट हो गई, मुझे पता था उन लोगों को पता चल जाएगा। अरे जब आपको पता था तो मारा क्यों यार? अबे यार उन लोगों को मेरे पर शक हो गया था इसीलिए। अबे जल्दी जल्दी बैठ, टाइम वेस्ट मत कर। अरे हाँ हाँ गाइस यार अब हमें यहाँ से फटाक से निकलना पड़ेगा और इस गाड़ी को एकदम बचाते हुए निकलना पड़ेगा यार, भागो भागो जल्दी भागो। गाइस सही बता रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत ज्यादा मारेंगे, लेकिन मुझे पकड़ पान। अरे वेट गाइस, ये सीक्रेट रास्ता है, यहाँ से ना चलते हैं और इन लोग का फायदा हम उठाते हैं। गाइस अबे यार वो लोग आ तो रहे लेकिन यार अभी वो आ रहे हैं यार, मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे वो लोग, मुझे पता है। अरे मारो मारो सबको मारो। गाइस यार उन्होंने अभी हमें क्यों मारा था, फेंकी पे बिल्कुल बढ़िया किया यार, दो चार को निपटा दिया आपने। गाइस अभी ना हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फटाफट से चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर वाला गेट लॉक हो गया ना गाइस, तो हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, अभी आराम आराम से निकल जाते हैं, इसको शक भी नो काम पर। अबे सिंचन चुपचाप बैठा रही हो, और ये बाय बाय। अरे भाई यार इनको पता भी नहीं चला कौन गया यार। ऑल राइट गाइस, ये वाली व्हीकल हमने चुरा ली है यार, ये डुप्लीकेट प्रिंटर मुझे तो नहीं लगता यार, ये तो मुझे जेट लगता है सिंचन एक। अरे ये जेट नहीं है यार, जेट होते तो अभी तक उड़ जाते। गाइस यार ये फेंगी बैग को चलाने, अरे ये मशीन चलाने तो आती नहीं है हम दोनों को यार। अबे यार सिमोन को तो आती होगी। ओके गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, और यार काफी देर से चला रहा हूँ गाड़ी, और भाई तो आज जो आर्मी वाले से बच के आए हो ना क्या ही बताऊं, लेकिन गाइस उनको पता चल गया ना कि ये गाड़ी की चोरी मैंने की है, तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, पहले इसको अंदर छुपा देता हूँ और यार सिमोन को बुला के लाता हूँ यार। अरे हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ। अरे सिमोन भैया सिमोन भैया, अरे अरे मैं गैराज में बंद हो गया यार। अबे गैराज में बंद हो गया इसका क्या मतलब है? सिमोन सुनो, अरे चलो यार मैं वो लिया है डिवाइस जिसकी बात तुम कर रहे थे। अरे वाह वाह अब तो तुम्हारा काम आसान हो गया। अरे सिंचन कहाँ गया? अबे सिंचन, अरे हाँ यार मैं तो भूल ही गया, उसने मुझे बोला कि वो गैराज में बंद हो गया है, अब मैंने वो सीरियस नहीं लिया। गाइस लगता है ना वो अंदर ही बंद हो गया होगा, तभी अभी तक आया नहीं। अबे कहाँ गया? अरे यार पागल हो गया, मुझे अंदर बंद कर दिया था, सांस भी नहीं मिल रही थी समझे क्या। अबे सॉरी सॉरी, अरे मुझे लगा तू मजाक कर रहा है। गाइस ये देखो ये रही हमारी ये व्हीकल, यही है ना मैंने दूसरी डालाई। अरे यही है यही है, थैंक यू तुम ले आइए, अब मेरा काम बिल्कुल आसान हो गया यार। अबे भाई साहब लेकिन मेरा काम पता है ना तुम्हें क्या हुआ, मेरे पीछे आर्मी पड़ गई थी, वो तो मैं कहते बच के आया हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे मैं बच के आया हूँ ना वैसे ही सब्सक्राइब कर दो फटाक से गाइस। अरे हाँ हाँ कर दिया सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। अरे हटो अब मुझे काम करने दो, एक गाड़ी की कितनी कॉपी बना दूं, 10 कॉपी बना दूं? अबे यार तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी कर दो, मेरे को तो एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए। अरे वाह ठीक है मैं पूरा सब कुछ समझ रहा हूँ, पहले इस गाड़ी से अटैच करता हूँ। हाँ इस गाड़ी का मैंने डाल दिया। अरे करो करो यार पता नहीं क्या कर रहे हो यार। अरे हाँ मैंने मशीन चालू कर दी है, ये गाड़ी सामने लगा दी है, अब देखो इस गाड़ी के डुप्लीकेट बनते जाएंगे। भाई साहब डुप्लीकेट, और इसमें से बिजली कैसे निकल रही है? गाइस सही में ये सिमोन का तो खतरनाक वाला मशीन है ये आर्मी वालों को कहाँ से मिला सिमोन? अरे वो सब तुमको बाद में बताऊंगा,
10 गाड़ी डुप्लीकेट कर देता हूँ। चलो 10 गाड़ी में तो बहुत बड़ी गाड़ी बन जाएगी, 10 गाड़ी का मैंने डाल दिया है। और एक काम करो, जब तक 10 गाड़ी डुप्लीकेट हो रही है तब तक तुम और मैकेनिक ले आओ मेरी दुकान में से। गाइस मैकेनिक की जरूरत भी पड़ेगी और मुझे जाना पड़ेगा। अबे यार तुम काम ढंग से करना, ठीक है ना? अरे तुम देखते जाओ, अब मेरा काम कुछ नहीं है, ये सारा काम मशीन कर देगी। चलो ठीक है गाइस, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसे कर रहे थे कोई डुप्लीकेट हो जाएगा, लेकिन हो जाए तो बढ़िया ही है। अरे मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है तुम्हारे पड़ोसी के घर के पास। अरे भाई साहब, पड़ोसी के घर के पास खड़ी है? ये देखो गाइस, यहाँ पे सिमोन ने गाड़ी खड़ी कर दी थी क्योंकि हमारा पड़ोसी घर पे रहता नहीं है और उसका घर बंद पड़ा है। तो गाइस अभी चलो सिमोन की गाड़ी को उठाते हैं। और अब इसको तो गाड़ी चलाने नहीं आती, पीछे वाले देखता नहीं पीछे से गाड़ी आ रही है। अरे सही में पागल है, अरे चलो चलो, अरे दो गाड़ी हो गई है गाइस, इतनी जल्दी दो गाड़ी। अबे सिमोन ये तो सही में काम करती है। गाइस मुझे बिलीव तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था ये काम करेगा, लेकिन इतने देर में तो ये दो गाड़ी हो गई। सिमोन ऐसे ही करते रहे भाई। अरे मशीन से दूर रहो यार, मशीन के आसपास मत आना अभी, वरना तुम भी डुप्लीकेट हो जाओगे। अबे ये बात भी है। गाइस अभी ना हम लोग चलते हैं सिमोन के गैराज में और वहां से मैकेनिक को उठा के लेके आना है, क्योंकि यहां पे काम भी तो करना है उनको। गाइस अभी यार आप लोग क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो फटाक से कर दो यार। अरे यार वो सब तो छोड़ो गाइस, यार सिमोन की गाड़ी देखो कितनी ज्यादा तगड़ी मॉडिफाई कर रखी है यार, एक एक कलर सब कुछ एकदम लगता है जैसे कि रेयर है यार। अबे लेकिन आज देखियो ना, जो गाड़ी की मॉडिफिकेशन हमारी होगी ना वो किसी की नहीं होगी गाइस। अरे चलो चलो जल्दी चलते हैं। अरे हम लोग आ गए सिमोन की, सारे मैकेनिक सुनो सुनो कहाँ है सब लोग यार। गाइस सिमोन का मैकेनिक कहाँ है यार, कहाँ, ये अंदर ही होंगे, अंदर काम कर रहे होंगे। ये रहा गाइस छोटा सा गैराज है और ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। ए, क्या हो गया, यहाँ पे क्यों आए हो? अरे मुझे तुम्हारे मालिक ने बोला तुम्हें साथ में लेके आने के लिए। अरे पागल है क्या, यहाँ पे गाड़ी पलटी हुई है, इसे काम करना है अभी। अरे यार चलो चलो, सिमोन नाम है उनका, देखो हम उनकी गाड़ी भी लाए हैं, जल्दी चलो। अरे ठीक है चलते हैं। चलो गाइस ये मैकेनिक मान गए हैं और सिमोन ने बुलाया तो ये लोग जाएंगे। अरे फिर हम कहाँ बैठेंगे, तुम दोनों अकेले जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं यार, हम सब जाएंगे साथ में। गाइस यहाँ पे तो बस यही गाड़ी है यार। गाइस एक मिनट, वहाँ पे एक और गाड़ी है और इसके अंदर हम सारे के सारे बैठ जाएंगे। और ये सिमोन की गाड़ी है तो वो उसको हम बोल देंगे वो गाड़ी हमने वहाँ रख दी और ये गाड़ी हम उठा लेके आए। अरे हाँ हाँ, बोल दीजिएगा बोल दीजिएगा, हमारे सर कुछ नहीं कहते किसी को। गाइस यार चलो चलो आराम से चलते हैं गाइस। अरे भैंगी भाई देखो ये गाड़ी कितनी ऊंची है यार। अबे यार ये सारी की सारी सिमोन सी गाड़ियां, और मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं? अबे पीछे बैठ जा, पीछे जगह तो है। अरे हमारा घर पास में है यार, इतना ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, बस 2 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, टेंशन मत करो, समझे क्या? और ठीक है ठीक है, मैं बैठ जाऊंगा, इतनी देर के लिए तो मैं बैठ जाऊंगा। अरे उठाओ मत गाड़ी, सस्पेंस बहुत तगड़ा है इसके, मैं पीछे गिर जाऊंगा। अरे नहीं गिरोगी यार, टेंशन मत करो। गाइस यार सही में गाड़ी तो एक नंबर है। अरे क्या ड्रिफ्ट मारी आपने यार। अबे थैंक यू गाइस। अभी ना बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फटाक से अपने घर की तरफ। ऑल राइट गाइस, अभी मैं अपने घर तो आ चुका हूँ यार, यहाँ पे कितना काम चल रहा होगा और काम खत्म हो गया सिंचन यहाँ तो। अरे देखो 10 गाड़ियां हैं। अरे यार मैं तो पागल हो जाऊंगा ये सब देख के। गाइस ऐसा कैसे हो सकता है यार, तीन गाड़ी इधर, तीन गाड़ी इधर और एक गाड़ी। गाइस मतलब टोटल 9 गाड़ी फोटोकॉपी हुई है, क्योंकि एक गाड़ी पहले से थी यार। अरे देखो फ्रैंकलिन, पूरे 10 की 10 कार हैं, अब तो तुम बता भी नहीं पाओगे इसमें से तुम्हारी असली कार कौन सी है। गाइस सही में मेरी असली गाड़ी कौन सी है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन आप लोग ना काम फटाक से स्टार्ट करवा दो यार, शाम हो जाएगी ऐसे तो लेट करते करते। अरे एक काम करो, तुम लोग काम करो तीनों। अरे सर ठीक है, हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। हमने काम स्टार्ट कर दिया 2 गाड़ी में, हो जाएगा। यहाँ करे करो, कितना टाइम लग जाएगा यार? अरे अभी लग जाएगा, काफी देर लग जाएगा। सिमोन यार काम करवा के फटाक से बता देना मेरे को, ठीक है ना? अरे हाँ तुम टेंशन मत करो, अभी तो बहुत ज्यादा घंटे लगेंगे, समझा करो, 10 गाड़ियों को एक साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है यार। गाइस आज ना हमारा सारा का सारा पैसा चला जाएगा, क्योंकि गाइस हमने इतनी खतरनाक मोटिवेशन करवाई है, क्या ही बताऊं। अरे चुप, किसी ने पैसा चुराया तो नहीं ना? अरे चुराना की तो छोड़ो, किसी ने छुआ भी नहीं यार। गाइस पक्का ये सो गया होगा। अबे भौंक क्यों रहा है मेरे पे, सो गया होगा तू, मेरे को पता है। अरे नहीं यार मैं सोया नहीं हूँ, क्यों झूठ बोलते हो? गाइस यार मैंने इनके पैसे इतने बचाए और ये मेरे पे कह रहे हैं कि मैं सोया था, मैं अगली बार से पैसे नहीं बचाऊंगा। ओ गाइस
अभी यार शाम हो गया और अभी तक इनका काम खत्म नहीं हुआ है यार। अरे सर हो गया आपका काम हो गया, आप हमारे पैसे दे दीजिए प्लीज सर। अरे पैसे ये देखो पहले से तैयार है यार। अरे वाह थैंक यू फ्रैंकलिन, ऐसी काम देते रहना, हम तुम्हारे काम के लिए एनी टाइम सर्विस देते रहेंगे यार। अरे हाँ मैं सब समझ गया। गाइस अभी इनकी बनाई हुई गाड़ी को देखते हैं कि इन लोगों ने कैसी गाड़ी बनाई है। और यार अच्छी बनाई हो। ओए ये क्या बना दिया भाई साहब। अरे इतनी बड़ी गाड़ी गाइजर मैंने पहली बार देखी है यार, इतनी बड़ी गाड़ी। अरे ये चलेगी कि भी नहीं यार। भाई एक मिनट चला के देखते हैं गाइस इसको। ओ भाई साहब ये तो चल रही है सिंचन। अरे वाह यार मजा आ गया। ओ यार इतनी बड़ी गाड़ी गाइस देख के तो मेरे एकदम दिल में यार क्या बताऊं क्या हो रहा है। अरे इतनी बड़ी गाड़ी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है यार। अबे यार ये सोच किसी के सामने ये गाड़ी गई और वो डर गया, मतलब सोच रहे हो गाइस सही बता रहा हूँ वो बिल्कुल डर जाएगा, पूरा का पूरा रोड घेर रखा है इस गाड़ी ने यार। अरे वही तो गाइस एक बार आप देखो तो सही कितनी बड़ी गाड़ी लग रही है। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो बड़ी गाड़ी यार बिग कार। गाइस सही बता रहा हूँ इसके अंदर कितने सारे लोग बैठ जाएंगे दो यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता इतने सारे लोग बैठ जाएंगे यार इसके अंदर। अरे वही तो गाइस अभी हम लोग हाईवे में लेके आए हैं अपनी कार की स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, स्पीड भी चल रही है यार, ऐसा भी नहीं है कि स्पीड इसकी स्लो हो। गाइस सही बता रहा हूँ स्पीड तो चल रही है लेकिन यार बहुत बढ़िया लगी, सिमोन ने आज बहुत बढ़िया काम करके दिया मेरे को, मुझे नहीं पता था वो कभी ऐसा भी काम कर सकता है यार। अरे वही तो मैंने भी, मुझे तो लगा था यार गाड़ी को बहुत काटेंगे पीटेंगे लेकिन यार इनने तो एकदम बढ़िया से चिपका दी सारी गाड़ी को। अरे मेरा तो दिल खुश हो गया क्या बताऊं यार। गाइस सही में आज ये गाड़ी देख के मेरा मन तो खुशी हो गया। अबे सिंचन देख रहे यार कितनी खतरनाक गाड़ी बनाई है इन लोगों ने। अरे वही तो गाइस आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।